हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कल हाजिर हूँ मेमो गेट केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हुसैन हक्कानी की वापसी के लिए क्या इकदामात किए गए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार, अब तक की पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार। एक आइन बनाती है क्यों, कुछ लोग उस पर अमल करें और कुछ उस पर अमल ना करें, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये सब कुछ सोचते हुए जो जैसा कि हमारा माजी गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% नजरियाती हूँ। नवाज शरीफ को यादें माजी सताने लगी, मेमो गेट स्कैंडल में नहीं पड़ना चाहिए था, साबिक वजीर आजम का एतराफ, किसी सिग्नल का इंतजार है और ना ही सिग्नल्स लेते हैं, 70 सारा दास्तान बहुत दुख भरी, रविश न बदली तो न जाने क्या होगा, सहाफियों और कारकुनों से गुफ्तगू। लंदन फ्लैट्स की ट्रस्ट डीड पर तारीखें तब्दील की गईं, मुलजिमों ने ओवरराइटिंग करके 2004 को 2006 बनाया, एवन फील्ड रेस्टोरेंट में वाजिद जिया का बयान रिकॉर्ड, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी एहतसाब अदालत में पेश हुए। अल्लाह को जवाब देना होगा, मैं अच्छा वजीर। सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों ने निहाल हाशमी को माफ करने की इस्तदा कर दी, गैर मशरूत माफी नामा लिख कर दें, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, गलती की सजा आपके बच्चों को नहीं देना चाहते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहे पर शर्मिंदा हूँ, आइंदा हर जगह मोहतात रहूंगा, लीगी रहनुमा की यकीन दहानी। आमदन से जायद असासे इसाक डार के खिलाफ केस में शरीक मुल्जिमों सदर नेशनल बैंक सईद अहमद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी, कचहरा कल फिर लगेगा। जलालपुर जट्टा के मेडिकल कॉलेज का इस्लामाबाद में इल्हाक कैसे हो गया, ऐसे कॉलेजेस के डॉक्टर नब्ज देख सकते हैं और ना ही ब्लड प्रेशर, चीफ जस्टिस बरहम, तालिब इल्मों से ली गई फीसिस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात पर बड़ी अदालत लगी, केस तो मजीद लंबा नहीं कर सकते, मसाइल का हल निकालें वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, अदालत की वार्निंग। पंजाब में असल वजीर राणा सनाउल्लाह हैं, क्यों ना उन्हें बुला लें, चीफ जस्टिस के रिमार्क। धरने आवाम पर भारी, लाहौर मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी, कई खवातीन गर्मी की वजह से बेहोश, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। दफा 144 के बावजूद मॉल रोड तख्ते मश्क, जिसका दिल चाहे कानून की धज्जियां उड़ा दे, हुकूमत और इंतजामिया आवाम को रिलीफ दिलाने में नाकाम। फैसलाबाद में बच्चों से ज्यादती का शर्मनाक स्कैंडल, FIR में 6 जराइम का जिक्र, गैंग रेप, नाजायज असलहा, धमकियां और ब्लैकमेलिंग की दफात गायब, कहीं बासर मुलजिमों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही।
हूँ। सिंध में इम्तिहानात शुरू होते ही इंतजामिया बुरी तरह फेल। नकल की लूट से लगी नालायकों ने सिर्फ किताबें ही नहीं खोली, व्हाट्सएप को भी दो नंबरी के लिए इस्तेमाल किया। दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, बस अल्लाह अपना रहम करे भाई। हमें आउटडोर काम के लिए जाना पड़ता है, गर्मी है तो प्रॉब्लम होती है। पिछले साल के से ज्यादा गर्मी है इस बार, अब मजबूरी है कि आना पड़ता है काफी दूर से। इससे ज्यादा हो गया गर्मी। सिंध में सूरज के तेवर खतरनाक, हैदराबाद में पारा 41 डिग्री को छू गया। कराची में भी टेम्परेचर 38 से 40 के दरमियान रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मजीद 2-3 रोज तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई कर दी। गेट करने का मशवरा, आइंदा इलेक्शन में नैब का अपने खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा, मेमो गेट का हिस्सा बनने की गलती का एतराफ। नवाज शरीफ ने कहा कि आज वजीर आजम के नामजद करदा सफीर का नाम ECL में डालने की बातें हो रही हैं। नैब का इदारा परवेज मुशर्रफ ने मखसूस नतायज हासिल करने के लिए बनाया था, जिसे 2002 के इंतखाबात से कबल बुरी तरह इस्तेमाल भी किया गया। खदशा है अब फिर नैब को नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। आज तजर्बात से गुजरने के बाद एहसास हो रहा है कि मार्शल लॉ अदवार के कवानीन एक ही बार खत्म कर देने चाहिए। एक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी आइडियोलॉजी और सोच की कीमत अदा कर रहे हैं। अंपायर की उंगली नहीं, अवाम के अंगूठे की ताकत पर यकीन रखते हैं। 70 साल से खेल खेला जा रहा है, मगर अब लोगों का खौफ और डर उतर गया है। माजी में जो होता रहा अब किसी सूरत नहीं होने देंगे। आईन और कानून के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ ने एतराफ किया कि उनका साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमो गेट का साथ देना गलत था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबी अमल में एक दिन की भी ताखिर नहीं चाहते, तवक्को करनी चाहिए कि कोई भी इंतखाबी अमल में रखना ना डाले। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से बात हुई है, ख्वाहिश है कि सियासतदान मिल बैठ कर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करें। साथी रिपोर्टर आमिर सईद अब्बासी के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और ऐसे में कमर जमान कायरा ने नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल दिया है। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने साबिक वजीर आजम पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मियां साहब जब फंस जाते हैं तो माजी को याद करते हैं। उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ जो आज कर रहे हैं उसका भी उन्हें पछतावा होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एतराफ किया, अच्छा किया। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। गुजारिश ये है कि मियां साहब, ये आदत उनकी पुरानी है, जब वो फंस जाते हैं तो माजी के पास बात कह दी जाती है। मियां साहब ने जब ये काम कर रहे थे उस वक्त भी अब उन्हें कह रहे थे कि मियां साहब ये आप मुनासिब नहीं कर रहे, कल आपको पछतावा होगा। और आज जो कुछ कर रहे हैं इसका भी हमें उन्हें कह रहे हैं कि ना करे, आपको कल आने वाले दिन में पछतावा होगा। मैं समझता हूँ मियां साहब ने चले एक अच्छा काम किया, उन्होंने एतराफ कर लिया, लेकिन ये एतराफ पार्शल है। एक्चुअल बात तो वो कौम के सामने ये रखे, वो किसके कहने पे पिटिशनर बने थे। हाजा कौम के बहुत सारे सवाल हैं, तो मियां साहब खाली इस तरह जान तो नहीं छूटे कि ये इतना बता दें कि वो किसके कहने पे बने थे। नहीं बनना चाहिए था, ये अच्छा किया उन्होंने इतराफ कर लिया, लेकिन किसके कहने पे बने थे जरा ये भी बता दें कौम को, ताकि हकायक सामने आ जाए। मेमो गेट स्कैंडल की बात हो रही है और इसी से जुड़ी अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में खारजा और दाखला के सेक्रेटरीज को कल के रोज तलब कर लिया है। और कमरा अदालत में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी पूछा कि हुसैन हक्कानी को वापस लाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई हुई। इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से इमरान वसीम। हुसैन हक्कानी मेमो गेट केस, चीफ जस्टिस का साबिक सफीर को अमेरिका से वापस लाने के लिए कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार। हक्कानी को कानून के कटहरे में लाना अदालत की इज्जत का मामला करार। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखला को बुध के रोज पेश होने का हुक्म। दौरान समाज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि हुसैन हक्कानी को वापस लाने के लिए क्या हुआ। FIA हुकाम ने बताया कि हुसैन हक्कानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वारंट के इजरा के लिए मामला चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये मामला लंबा नहीं होता जा रहा, कल तक तमाम दस्तावेजात पूरी कर लें। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्टर पर बुलाया तो उन्होंने हुसैन हक्कानी के वारंट जारी होने के बाद इंटरपोल से राब्ता करने का यकीन दिलाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बंदा अदालत को यकीन दहानी करा के मुल्क से कैसे भाग गया, ये अदालत की इज्जत का मामला है। हुसैन हक्कानी को वतन वापस लाने के लिए अब तक की पेशरफ दिखावा है। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।
سابق وزیراعظم نواز شریف نے پنجاب ہاؤس میں بھی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 70 سال ضائع کر چکے، اب یہ سب کچھ بدلنا ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ہم نے کیا کچھ اور کیوں کھویا۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں عابد ملک کی رپورٹ۔ ستر سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ نواز شریف کا سیاستدانوں اور قوم کو حقیقت جاننے کے لیے غور و خوض کا مشورہ، پاکستان کی داستان کو دکھ بھری قرار دیا۔ جاپان کا کیا حال تھا اور پھر ان پہ ایک پہ بم برسائے گئے، ایٹم بم، جاپان میں، ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں ایٹم بم، اس سے اس کے باوجود وہ اس سے نکل آئے، اس کے اثرات سے باہر نکل آئے اور دنیا کے بہترین خوشحال ترین ملکوں میں دوبارہ شامل ہو گئے within 20 years۔ اور ہم 70 سال گواہ بیٹھے ہیں، ہمیں اس کے باوجود بھی ہمیں خیال آتا۔ سابق وزیر اعظم نے قریبی حلیف محمود اچکزئی کو بہادر قرار دیتے ہوئے ان کے سنگ سنگ چلنے کا اعلان کیا۔ یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور جو اپنا غیر جمہوری جو رسم و رواج پچھلے 70 سال سے پڑ چکا ہے اس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور محمود اچکزئی نے ملکی سیاسی صورتحال اور بلوچستان حکومت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ لیگی کارکنوں نے سابق وزیر اعظم کے حق میں نعرے لگائے۔ عابد ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہوئے۔ صحافی نے مریم نواز سے یہ سوال پوچھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہے، جس پر مریم نواز نے یہ جواب دیا کہ جو حق پرست قبیلے سے ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ میڈم، میاں صاحب کے بعد اب کیپٹن صاحب پر بھی آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کا مقدمہ، مطلب کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جو بھی حق پرست کی قبیل سے، اس پہ یہ تو ہوگا پھر۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لندن فلیٹس کی ٹرسٹ ڈیڈز پر تاریخیں تبدیل کی گئیں۔ ملزموں نے اوور رائٹنگ کر کے 2004 کو 2006 بنایا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں واجد ضیاء نے اپنا بیان